हाय एवरीवन, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, अगर आपके सिस्टम में वाईफाई की प्रॉब्लम है, विंडोज 7 है, 10 है, 11 है, उसमें वाईफाई की प्रॉब्लम है, वाईफाई वर्क नहीं कर रहा है, वाईफाई आइकन नहीं आ रहा है यहाँ पर, तो आपको इसे कैसे सॉल्व करना है इस वीडियो हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको कुछ मेथड बताऊंगा, उनको आप फॉलो करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम जो 100% सॉल्व हो जाएगी। तो उनमें से नंबर वन मेथड है, उसके लिए हमें स्टार्ट पर जाना है, कंट्रोल पैनल को ओपन करना है, और कंट्रोल पैनल को ओपन करने के बाद इंटरनेट ऑप्शन पर क्लिक करना है। इंटरनेट ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद हमें एडवांस पर जाना है। एडवांस पर जाने के बाद हमें यहाँ पर रिसेट इंटरनेट एक्सप्लोरर सेटिंग, यहाँ पर रिसेट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसके आगे, तो इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद हमें डिलीट पर्सनल सेटिंग पर क्लिक करना है, जो कि रिसेट होम पेज, सर्च प्रोवाइडर्स एंड एक्सेलरेटर्स टू डिफॉल्ट सेटिंग, ये सब यहाँ पर डिलीट हो जाएंगे। इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर रिसेट पर क्लिक करेंगे। रिसेट पर क्लिक करने के बाद सभी पर टिक आ गया, इसको यहाँ से क्लोज कर देना है। क्लोज करेंगे तो एक क्लोज हो जाएगा। अब इसके बाद हमें नेटवर्क एंड सेटिंग सेंटर पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर हम नेटवर्क सेटिंग सेंटर देखते हैं, ये रहा। इस पर क्लिक करके इसे ओपन करेंगे और चेंज एडाप्टर सेटिंग को ओपन करेंगे क्लिक करके। हमें यहाँ पर चेक करना है कि जो हमारा वायरलेस नेटवर्क कनेक्शन है वो डिसेबल तो नहीं है। डिसेबल होगा तो कुछ इस तरह का होगा, तो आपको इसे इनेबल करना है। अब इनेबल कैसे करेंगे, राइट क्लिक करके इसको इनेबल कर देना है इस तरह से, तो ये इनेबल हो जाएगा। अगर ये आपका इनेबल है तो आपको क्या करना है, इसको पहले डिसेबल कीजिए और डिसेबल करने के बाद फिर से इसको थोड़ा कुछ सेकंड वेट करके इनेबल कर दीजिए इस तरह से। अगर इस तरह से अगर ये इनेबल हो जाएगा, अगर फिर भी इनेबल नहीं होता है तो आपको क्या करना है, इसको राइट क्लिक करना है, डायग्नोस पर क्लिक करना है। डायग्नोस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम होगी वो बता दी जाएगी और उसको रिजोल्व कर दिया जाएगा डायग्नोस के द्वारा। यहाँ पर देखिए, शो मी ए लिस्ट ऑफ अवेलेबल नेटवर्क्स का मैसेज आएगा, क्योंकि हमारे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वाईफाई का आ चुका है। ज़्यादातर प्रॉब्लम यहीं से आती है, तो इसको यहाँ से कैंसिल या क्लोज कर देना है। अब अगर आपका लैपटॉप है उसमें अभी वाईफाई की प्रॉब्लम आ रही है, वाईफाई का नहीं आ रहा, तो आपको क्या करना है, अपने लैपटॉप के कीबोर्ड में आपको वाईफाई की चेक करना है। जो भी वाईफाई की है उसको ऑन ऑफ एक दो बार प्रेस करके देखिए, शायद वहाँ से आपका वाईफाई ऑफ हो गया हो, या फिर आपके लैपटॉप में वाईफाई का स्विच होगा, उसे चेक कीजिए कहीं वो ऑफ तो नहीं है। अगर ऑफ है तो उसको ऑन कर लीजिए, तो वहाँ से भी ये ऑफ हो जाता है। तो दोस्तों कुल मिलाकर यही कुछ ऐसे मेथड होते हैं जिनकी वजह से आपकी प्रॉब्लम जो सॉल्व हो जाएगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।